Hi, so we're Anushi and Numan, and recently we traveled to Turkey, but coronavirus came aur hum logo ko bhaage ghar aana pada. So we decided that this time hum thoda sa aur kuch daring karte hain aur hum jaate hain Karachi to Islamabad by road. So that is around 1400 kilometers and it takes about 16 hours or so to get there. But we embarked on that journey and drove all the way from the very south of the country to the middle. प्लान था थोड़ा रुकते रुकाते जाना. जब हम लोग अपने सिंध की M5 मोटरवे तक पहुँचे, वी डिसाइडेड टू टेक अ लिटिल पिट स्टॉप इन मुल्तान एंड यूज द रेस्ट रूम्स एंड देन वी सेट ऑफ अगेन ऑन दिस वेरी लॉन्ग जर्नी. अस्सलाम वालेकुम. So I am now in Islamabad. हम लोग ने कल बहुत लंबा ट्रैवल किया. We finally have woken up. अभी बहुत थके हुए हैं. We woke up at around 5:30. आज हम जा रहे हैं गिलगित. So we have a long journey ahead of us. Actually हम कुछ sites पे रुके हैं जैसे लुलू सर एंड बाबू सर. We have done these before, but exciting होगा वापस से जाना, fresh perspective से देखना. So let's go. अभी हम लोग नाश्ता करेंगे and then तो आज हम किधर हैं और हम क्या कर रहे हैं? आज हम लोग हैं इस्लामाबाद में. कल हम लोग एक पूरा दिन अपनी गाड़ी में ड्राइव करके कराची से इस्लामाबाद पहुँचे. नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं. हम लोग जस्ट वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट. व्हाट इज दिस? हम देख रहे हैं कार्टून नेटवर्क. व्हाई आर वी वाचिंग कार्टून नेटवर्क? आई डोंट नो. कुछ और का. And I'm really hungry, but kal literally maine sirf carbs khaye, so I'm really excited to put some normal food in my body. This is served. For lunch abhi currently 5 bajne wale hain. Bahut traffic tha raste mein. There are so many people in Naran. Main soti bhi aayi hu, but yeah, we're just stopping for lunch now, and then the journey to Gilgit continues. Stopped for lunch at Moon Restaurant in Naran और हम सब बहुत next level भूखे थे because हमने किसी ने खाना नहीं खाया था. So we absolutely smashed the kadhai that we got. Smashing करने के बाद we returned back to the road and enjoying the beautiful scenery of northern Pakistan. We made it all the way to Lulu Sir and then to Babu Sir. We did Babu Sir रात में and it was amazing to see it at night. It was a completely different experience. Crossing it, we finally made it for a chai stop. Numan ab dekh rahe aalu hai plate. Pata nahi kitne aalu hote hain in the middle of nowhere. Humne babu sir cross kiya hai aur hum log ek chai ke stop pe ruke hain jahan pe hum fries khayenge aur chai piyenge. And it's kind of cold aur jo yahan ke local hai wo normal shalwar kameez mein hai aur humne ye moti moti jackets pehni hui hai because Karachi. Ji rakho na kidhar. So it is day number 3 technically, but hum pahunch chuke hain गिलगित. हमारी ट्रैवलिंग जो थी वो बहुत लंबी थी. दो दिन से हमने ट्रैवल किया. सो टेक्निकली लाइक डे 1 ऑफ एक्सप्लोरिंग बट डे 3 ऑफ द ट्रिप. हम पहुँच गए गिलगित. वी आर जस्ट चेकिंग आउट फ्रॉम आवर होटल. हम एक रात यहाँ पे रुके. वी गॉट रियली रियली लेट लास्ट नाइट. सो होपफुली टुडे वी गेट टू गो टू नल्तर एंड फाइनली स्टार्ट हैविंग सम फन. After having breakfast हमें पता चला कि नल्तर जो है वो बंद है. उस पर आप कैंप नहीं कर सकते और हमने सोचा था कि हम कैंप करेंगे. सो प्लान बी ये था कि हम जाएं अताबाद की तरफ बिकॉज वी हैड हर्ड कि अताबाद में बहुत क्रेजी रेस्टोरेंट्स बने हैं. सो दैट्स वेयर वी आर गोइंग. राकापोशी व्यू पॉइंट. पहले भी हम यहाँ पे एक दफ़ा आ चुके हैं एंड वी आर कमिंग बैक. यहाँ पे तो बहुत सारा रश है, बहुत सारे लोग आए हैं. एंड द थिंग दैट इज डिफरेंट हेयर इज कि यहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा है फ्रॉम लास्ट टाइम. लेट मी शो यू. लोग नल्तर नहीं गए क्योंकि नल्तर बंद था. तो हम आ गए हैं अताबाद एंड वी आर स्टेइंग राइट ओवर देयर. वेरी एक्साइटिंग. आई विल शो यू द ग्लैम्पिंग हट्स. बट राइट नाउ वी आर
एट अतबाद और हम यहाँ पे करेंगे जेट्स की एंड प्रॉब्ली सिट ऑन अ बोट. जेट्स की शायद सुबह में करें और अभी हम लोग बोटिंग करें. सो आई एम एक्साइटेड. मौसम बहुत अच्छा है, बारिश अभी अभी रुकी है एंड आई एम एक्साइटेड. पहनना पड़ेगा, जरूरी है. लुकिंग फॉर आर डिनर. हम सोच रहे हैं बारबेक्यू करें, तो हम आए हैं एक जगह जहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं. चिकन. गाइस यहाँ पे सेब लगे हैं. नहीं वो ऊपर है, वो तोड़े कैसे? उससे लिया मैंने, उसने दिया मतलब. कह रहा है यहाँ पे लगे, तोड़ लो. सेब कच्चे हैं, सेब नहीं तोड़ना. जो है वो जमीन पे गिर चुके हैं, बट ऑब्वियसली यू कांट ईट दीस. But there's so many. किसी कहाँ से आए भाई? तोड़ेंगे. ये चढ़ गए हैं दरख्त पे. किसी टेंशन के बगैर. He's like made it all the way to the top and he's gonna get us an apple. Guys, we have an apricot, freshly picked. Guys, so I want to show you where we're staying. It is called the Sweet Tooth Glamping Huts. This is the door, and I'm gonna take you inside. One sec. There we go. So this is where we're going to be sleeping, and we have a really nice some sort of towel shape here, which looks like a swan. Then we have some lamps, and then we have this beautiful view jo ki abhi nahi dikh raha because barish hui thi aur wo frosty ho chuka hai. And we have a nice seating area here as well, and hopefully view hume subah mein dikhega Astabad lake ka. My concern thi wo thi charging, and we have that here, so that's perfect. Aur ye jo farsh hai ye bhi full wooden hai, so that's perfect too. And I love this little setup. So excited to be sleeping here tonight. हम कह रहे हैं कि ये स्कॉर्पियो ये रुक गया है हमारी लाइट मारने से. बट छोड़ दो भाई, जाना दो से. सेंटीपीड था गाइस. यहाँ पे फायर बन रही है हमारे चिकन के लिए. वी आर गोइंग टू बी डूइंग अ बारबेक्यू एंड दिस वेरी हेल्पफुल जेंटलमैन हियर इज गोइंग टू बी हेल्पिंग अस मेकिंग द फायर. ऑलमोस्ट देयर गाइस, ऑलमोस्ट देयर. Perfect. और मैं आपको दिखाऊँ हमारा गोश्त जो कि हम अभी बारबेक्यू करने वाले हैं. इट इज राइट ओवर हियर. लवली. हमने ये मुर्गी खरीदी, उसको मैरिनेट किया है और अब हम उनको सीखों पे लगाएंगे. हियर कम पेरम सो हंग्री. बस इंस्ट्रक्शंस की क्या करना है कि वैसा हो कि सीख से जब पके तो टपक जाए, ऐसा ना हो. क्यों करना व्यू पॉइंट पे आके फिर से नाश्ता कर रहे हैं. दिस इज द फोर्थ टाइम प्रॉब्ली वी आर कमिंग हियर. दिस इज द राका पोशी व्यू पॉइंट और यहाँ पे हम कर रहे हैं नाश्ता. नाश्ते में भी नॉट एग्स बिकॉज़ हमारा ब्रंच होने वाला है. After leaving Atabad, we made our way to Astor. Astor is pretty far away and the road was about maybe like 2.5 hours long. Reaching Astor city, we took a jeep and we went uphill all the way towards the meadows.
The meadows are absolutely beautiful. They have an amazing view, and the journey on the way to the top is really beautiful as well. Arrived in Rama Meadows. बहुत ही खूबसूरत जगह है. It's so so nice. It's surrounded by mountains. Let me show you. We have mountains all over. हम यहाँ इस गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं, which is lovely. We have this really nice place to sit and we're surrounded by mountains. Is this your favorite place so far? One of my favorite places. It's very hard to get to, but as you can see, it's worth it. We are gonna go see the lakes, and we're probably gonna go on horses half the way. Guys, यहाँ पे बहुत सारी cattle भी है. ये जैसे एक गाय यहाँ पे है. She is just having a time chilling, you know, eating some food. It is a 45-minute hike, and apparently we're gonna see a lake and some glaciers. So, Numan, हम पानी का क्या करेंगे? पानी हम यहाँ किसी वाटर स्ट्रीम से भर लेंगे. आप शहरें बहुत हैं, थोड़ा एक तरीका होता है क्लीन वाटर भरने का, तो हम ये करेंगे. सो वी आर गोइंग इन टू द वाइल्ड. लेट्स गेट अ मूव ऑन बिफोर इट गेट्स डार्क. Reached the small lake. Basically, मैं सबसे पहले आई हूँ, क्योंकि मैं horseback पे आई. I get altitude sickness and it's bad. So I'm just waiting for everyone else to arrive. Numan is right there. There we go. And this is the lake. Basically, हम एक glacier पे खड़े हैं. और कहाँ जहाँ से घर से धुआं निकल रहा है, that's where the Rama is, which is far away. But I guess ये जो glacier का पानी है, ये melt हुआ है यहाँ पे. जब हमें ग्लेशियर के ऊपर चेक करनी है, सिर्फ एक पैच है. हाफ दिस यू कैन हैव. गाइस, लुक एट माय व्यू. ब्यूटीफुल. कांग्रेचुलेशंस, वी हैव मेड इट टू रामा लेक. Beautiful. कुछ लोग नीचे दरिया के किनारे कैंप कर रहे हैं, और हमारा जो घोड़े वाला है वो लिटरली यहाँ से छलांगे मारता हुआ वहाँ पहुँच गया है, because he wanted shrubs for his horse. How sweet, but my god, that guy ran. हम पूरा वो रास्ता कवर करके आए. It was a 45-minute trek and it was worth it, most definitely. We've made it down the trekking mountain and we are now in our guest house, jahan pe hum koshish kar rahe hain ki hame garam pani mil jaye, because I really want a shower. And yeah, we're going to have some dinner. What's dinner? Mutton or chicken? Okay, we're probably going to have kadhai and enjoy the rest of the evening. So that was the first part of the trip. I hope you enjoyed this vlog. If you did, make sure to give it a huge thumbs up, share this video, like this video, subscribe to my channel, or part 2 ke liye be ready, because it's about to come.